हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है करण के केबीजी। आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 यानी मैथमेटिक्स का रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलो करते हैं हम आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय वन एंड इटसेल्फ। भैया दो ही नंबरों से इनमें डिवाइड होता है, एक तो वन से और एक ही खुद अपने आप में डिवाइड कर पाते हैं। तो इस हिसाब से फैक्टर भी दो ही हुए, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हुए इसके? टू। एचसीएफ और एलसीएम पूछा हुआ है 12, 21 और 15 का, तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। से पहले 12 लिखते हैं, 21 और 15 फैक्टराइज करना तो आपको आता होगा। जैसे 12 का अगर फैक्टर करेंगे तो 2 से 6 टाइम्स आएगा, ये 2 से 3 टाइम्स और 3 से 1, दैट मींस वी कैन राइट एज 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। 21 को भी ऐसे लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 1 एंड 7 रेज टू द पावर 1। 15 को भी सिमिलरली 3 में भी 1 पावर लगा दो और 5 में भी। अभी आप जब भी अब आपको निकालना क्या है इसमें, एचसीएफ और एलसीएम। जब भी आप HCF निकालो तो भैया आपको दो चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज कि वो तीनों में कॉमन हो, जिसको भी आप यहां लिखने वाले हो HCF में, और तीनों में चीज होने के साथ साथ उसकी मैक्सिमम पावर नहीं लेनी है आपको, मिनिमम पावर लेनी है, कम से कम पावर जो सब में हो। तो आप देख सकते हो तीनों में 3 है और उसकी पावर 111 है, तो दैट मींस कम से कम भी पावर 1 ही है। तो आई कैन राइट एज HCF 3 की पावर 1, और कुछ कॉमन है नहीं, सो HCF भाई 3 ही आ गया। LCM में ऐसा नहीं है कि आप तीनों में ढूंढोगे, नहीं, आप सारे नंबरों के बारे में लिखोगे, चाहे वो एक बार इस्तेमाल हुआ हो चाहे दो बार, और आप उसकी मैक्सिमम पावर लेने वाले हो। जैसे कि यहाँ पे 2 का इस्तेमाल हुआ है और 2 की पावर मैक्सिमम 2 है, तो आई एम राइटिंग एज 2 रेज टू द पावर 2। 3 की पावर मैक्सिमम 1 यूज हुई है तीनों में, और 5 की पावर भी मैक्सिमम 1 हुई है, और 7 की पावर भी 1 मैक्सिमम भी यूज हुई है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं 2 की पावर 2 का, दैट मींस 4, 3, 5 एंड 7, 4 दीज आर 12, 5 सा बेटा ये होता है 60 इंटू 7 एंड यू विल गेट फाइनली 420। तो दिस इज योर क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन था ये आपका कि आप HCF और LCM कैसे निकालते हो। नाउ टाइम फॉर थर्ड क्वेश्चन। आपको HCF इन दोनों नंबरों का 6 दे रखा है, तो सबसे पहले लिखते हैं HCF इक्वल्स टू 6, और A वाला जो नंबर है वो 336 है और B वाला नंबर आपका 54 है। आपको भैया LCM निकालना है इसमें, कोई दिक्कत नहीं। हमें एक रिलेशन पता है क्या कि LCM जो प्रोडक्ट होता है LCM और HCF का, वो हमेशा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ दी नंबर्स के। तो LCM की वैल्यू तो हम लोग को पता है ही नहीं, अब ये तो हमें निकालनी है। HCF 6 दे रखा है, A 336 है और B आपको 54 दे रखा है। तो अगर आपको LCM निकालना है तो ये जो 6 मल्टीप्लाई में है, या इससे आपको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा। 6 से जब इसको काटोगे तो ये 9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा। 9 6 होते हैं भैया 54, कैरी हो गया 5। 9 3 जा 27 और 5 32 होते हैं, कैरी हो गया 3। 9 3 जा 27 और 3 भैया 30 हो गए आपके, तो आंसर विल बी 3024। ये आपका LCM हो गया। आखिरी क्वेश्चन आपका फोर्थ वाला है, इनमें से इन चारों में जो आखिरी क्वेश्चन है वो है फोर्थ, जिसमें लिखा हुआ है आपको रूट टू और रूट थ्री के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना है। सबसे पहली बात, रूट टू की वैल्यू कितनी होती है, इट इज अप्रोक्स 1.414 एंड रूट थ्री की जो वैल्यू होती है वो अप्रोक्स 1.732 कुछ ऐसी होती है। आपको इनके बीच का रेशियो नंबर निकालना है, तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नंबर लिख सकते हो, या 1.4 है या 1.7, आप चाहो इनके बीच का कोई भी नंबर यूज करते हो। आई एम यूजिंग 1.5, ये वो रेशियो नंबर है, क्योंकि इसको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर क्यू जीरो भी है नहीं, तो रेशियो नंबर की यही डिफाइन होती है, दैट कैन बी रिटेन एज फ्रैक्शन फॉर्म में, जहां पे भैया आपका जो क्यू हो पी अपॉन क्यू में, जो क्यू हो वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैंने 1.5 लिखा है, आप चाहो तो कोई दूसरा नंबर भी ले सकते हो, जैसे 1.51 या 1.6 या तो 1.45, आप कुछ भी ले सकते हो, पर वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में आया था। टू नंबर सच दैट ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, एक्स एंड वाई दोनों के दोनों प्राइम नंबर है और आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले लिखते हैं ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी दे रखा है आपको एक्स वाई क्यूब, आपको इनका एलसीएम निकालना है, नो प्रॉब्लम। एलसीएम निकालने के लिए अभी बोला गया था आपसे कि एलसीएम निकालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नंबर
दोनों में हो ये जरूरी नहीं है, वो नंबर इधर लिख रहा है अगर वो एक बार भी यूज हुआ है, और उसकी पावर पकड़नी है आपको मैक्सिमम वाली, जैसे एक्स का जो टर्म इस्तेमाल हुआ है या थ्री पावर है वन, तो मैक्स पावर कितनी होगी थ्री, वाई इधर टू है, वाई इधर थ्री है, तो मैक्स पावर होगी वाई थ्री, तो इनका एलसीएम आ गया एक्स क्यूब वाई क्यूब। बाई चांस आपसे एचसीएफ पूछा जाता तो एचसीएफ में आपको एक चीज और ध्यान रखनी चाहिए थी कि भैया दो चीज दोनों में होनी चाहिए, या नहीं कि एक ही में हो, दोनों में हो, लेकिन उसकी मिनिमम पावर। अब या एक्स क्यूब है या एक्स वन है, तो आप एक्स की पावर वन को पकड़ने वाले थे, वाई स्क्वायर वाई क्यूब तो मिनिमम पावर वाई स्क्वायर हो गया, तो एचसीएफ आता एक्स वाई स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आया था, फाइंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो कि टू होता है, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो कि फोर होता है। अभी प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं होते, और कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके कम से कम तीन फैक्टर तो होते ही हैं, बाकी फिर कितने भी हो सकते हैं। तो फोर एक ऐसा नंबर है जिसके थ्री फैक्टर्स होते हैं, वन टू और फोर, सिमिलरली टू के भी दो ही फैक्टर्स होते हैं, तो ये सबसे छोटे छोटे हैं अपनी कैटेगरीज में, प्राइम नंबर में सबसे छोटा टू और कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा फोर। आपको इन दोनों का क्या निकालना है भाई, एचसीएफ, कोई दिक्कत नहीं, टू को अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ये टू की पावर वन ही रहने वाला है, जैसे हमको करना होता तो पिछले क्वेश्चनों में भी किया है। फोर को लिखेंगे तो टू की पावर टू, और मैंने आपसे कहा था एचसीएफ मतलब जो दोनों में हो और मिनिमम पावर, तो दोनों में टू है और उसकी मिनिमम पावर वन है, तो एचसीएफ आ गया भैया टू। अगर मुझसे एलसीएम की भी कही जाती है इसमें, तो फिर जो चीज दोनों में हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर, अब लकीली दोनों में ही है लेकिन उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है टू, तो टू रेज टू द पावर टू, दैट मीन्स एलसीएम आ जाएगा इसका फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल, ये 2020 में आया हुआ है, पर मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस ईयर ऑन ईयर आते रहते हैं, तो आप इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर करना है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपसे कहा जाता है किसी भी रूट टू रूट थ्री रूट फाइव जैसी चीजों को इरेशनल प्रूफ करना होता है, तो आप सबसे पहले कंसिडर कर लिया करो, लेट कंसिडर रूट फाइव इज रेशनल, आपने इसको इरेशनल माना ही नहीं, आप इसको करिए रेशनल नंबर, अगर आपसे ये हो जाए तो अच्छी बात है, अगर ये रेशनल नंबर प्रूव न हो पाए तो दैट मींस फिर तो ये इरेशनल है, क्योंकि रियल नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल, तो पहले आप रेशनल प्रूव करो, नहीं होगा तो आप इरेशनल लिख दीजिएगा। चलो ठीक है, अगर आपने इसको रेशनल नंबर माना हुआ है तो कह सकते हैं इट कैन बी रिटन एज रूट फाइव इक्वल्स टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी जो है भैया वो को प्राइम्स है, क्या है को प्राइम्स, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वो को प्राइम्स है, कोई दिक्कत नहीं है, करते आगे। तो हमारा ये अजम्पशन कि ये रेशनल नंबर है वो इसी बात पर है क्योंकि ए और बी को प्राइम्स है, ध्यान रखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखते हैं रूट फाइव इज इक्वल टू ए अपॉन बी ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, नो प्रॉब्लम, दिस इज योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये क्या कहती है कि 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, अब देख सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, तो लिखते हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके स्क्वायर बिना यानी उसी नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, तो आई कैन राइट एज 5 डिवाइड्स a को भी, 5a को भी डिवाइड कर सकता है, तो लेट हमने a को मान लिया कुछ नए वेरिएबल के साथ 5 के, क्योंकि वो तो 5 से डिविजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पुट a इज इक्वल टू 5k इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, अब क्या मिलेगा हमको देखते हैं, फिर होगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a के बदले रखा जाएगा 5k उसका स्क्वायर, ये वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी फर्स्ट इक्वेशन में, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर,
फाइव से 25 रिड्यूस, 5 टाइम्स हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5k स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। सेम सिचुएशन अगेन आ गई जैसे यहाँ पे आई थी, हम क्या लिख रहे थे 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो अभी हमें लिखना पड़ेगा 5 डिवाइड्स b स्क्वायर। और मैंने अभी बताया था अगर कोई किसी के स्क्वायर टर्म को डिवाइड करता है तो वो उसके नॉर्मल नंबर को भी डिवाइड कर सकता है, तो 5 डिवाइड्स b, नो प्रॉब्लम। अब इस बात से क्या पता चलता है, देखो इस बात से और इस बात से कि 5b को भी डिवाइड कर सकता है तो 5a को भी। तो हम लिख सकते हैं 5 is a common factor ऑफ ए एंड बी। 5 तो कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड और बी का, जबकि हमने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही क्या माना था कि ए और बी को प्राइम्स है, और मैंने बताया था को प्राइम्स वो होते हैं जिनके पीछे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो हम लिखेंगे दिस कॉन्ट्राडिक्ट दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये इस बात को गलत साबित करता है कि ए और बी दोनों को प्राइम्स हैं। तो हम कह सकते हैं जो हमने अजम्पशन लिया ही था कि वो रेशनल है वही गलत था। तो हम कह देंगे सो आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग दैट रूट 5 इज इरेशनल। और जब वो इरेशनल है ही नहीं, रेशनल सॉरी, हमने जो अजम्पशन लिया था कि जो रूट 5 है वो रेशनल है वही हमारा क्या हो गया गलत। तो हेंस रूट 5 इज इरेशनल, इस तरीके से आपने प्रूफ करना। ये क्वेश्चन रूट 5 के बदले रूट 2 के लिए आ सकता है, तो जहां जहां 5 इस्तेमाल हुआ वहां 2 2 होगा। अगर ये रूट 3 के लिए होता, कॉपी पेस्ट सबके लिए जगह 3 यूज होता, तो आप ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा क्योंकि ईयर ऑन ईयर आते रहते हैं। तो ये टाइप का क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दे रखा है गिवन रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आपको प्रूफ करना है 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है। ये 2018 में आया हुआ है, लेकिन फिर से मैं आपसे कहूंगा कि ईयर ऑन ईयर आते रहते हैं, डिजिट्स और चीजें बदलती रहती है, बाकी क्वेश्चन पूरा यही रहेगा आपका। 19 में 20 में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, लेकिन डिजिट थोड़ी सी अलग है, यहाँ रूट 2 इस्तेमाल हुआ है, वहां इधर रूट 3 हुआ हुआ या रूट 5, ऐसे टर्म्स यूज होते रहते हैं। तो आप एक फॉर्मेट के तौर पर कर लीजिए, बाकी आपके कॉपी पेस्ट करना आप हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन में आपको गिवन दे रखा है रूट 2 इज इरेशनल, नो प्रॉब्लम। आपको क्या प्रूफ करना है, इसको इरेशनल करा, अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। अगर हमको कोई चीज इरेशनल प्रूफ करनी हो तो हम उसको रेशनल प्रूफ करा करें, हमसे वो होगा नहीं, तो हम इनडायरेक्टली उसको इरेशनल प्रूफ कर देंगे। तो सबसे पहले लेट करते हैं, लेट 5 + 3√2 बी ए रेशनल नंबर। हमने इसको क्या मान लिया, एक रेशनल नंबर मान लिया। और अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको इट कैन बी रिटन एज, मैंने पहले भी बताया था, इट कैन बी रिटेन एज ए अपॉन बी की फॉर्म में, जहां पर वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स। ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, चलो लिखते हैं 5 + 3√2 इज इक्वल टू ए अपॉन बी, नो प्रॉब्लम। अब ऐसे क्वेश्चनों में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको सारी चीजें यहां से हटानी है, सिर्फ आपको वो नंबर उधर रखना है जो क्वेश्चन में गिवन दे रखा है कि वो इरेशनल है, ताकि उसके थ्रू क्वेश्चन पूरा हो पाए जल्दी से। तो आप क्या करोगे, 3√2 = a / b + 5 हटेगा तो यस -5, √2 = a / b - 5, और ये 3 मल्टीप्लाई में था तो कहां जाएगा, डिवाइड में, नो प्रॉब्लम। अभी हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि a / b इज
ए अपॉन बी में तो कोई चीज क्या होती है, रेशनल होती है, तो दैट मीन्स ये भी रेशनल होगा क्योंकि इसमें वन अपॉन सिर्फ ए अपॉन बी का इस्तेमाल डायरेक्टली हुआ है ना, बाकी तो नंबर है, कोई रूट का टर्म है नहीं। तो हम लिखेंगे इज ऑल्सो रेशनल, ये टर्म भी पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल। नो प्रॉब्लम, अगर ये रेशनल है तो इसके इक्वल टू में रूट टू है, तो दैट मीन्स रूट टू भी क्या होगा फिर, दैट मीन्स रूट टू इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन आप देख सकते हो गिवन चीज क्या आती, तो लिखेंगे बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट गिवन फैक्ट, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था ना, उन्होंने ये बोला था कि रूट टू क्या था, इज इरेशनल। ये इस बात को गलत साबित करता, हमने तो रूट टू को ही रेशनल ले आए, जबकि रूट टू क्या था वहां पे, इरेशनल। सो कहेंगे सो वही दोनों लाइनें कॉपी पेस्ट, आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग हेंस 5 + 3 √2 जो हमने करा था इरेशनल के लिए लगे पड़े थे, तो ये तो हुआ नहीं, इज इरेशनल। यानी हमारी मेहनत कहाँ थी उसको रेशनल प्रूफ करने में, और वो हमारी मेहनत फाइनली क्या हुई, इस बात पे प्रूफ हो गया कि हमसे वो रेशनल हो नहीं पाया, और फाइनली हमने उसको क्या प्रूफ कर दिया, इरेशनल। मैंने अभी आपसे कहा था रियल नंबर दो ही प्रकार के होते हैं, रेशनल और इरेशनल। अगर हमसे कोई चीज रेशनल प्रूफ नहीं हो रही है तो दैट मीन्स वो फिर इरेशनल ही है। दैट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मेट, यही रहने वाला है। क्वेश्चन ईयर और ईयर चेंज होते रहते हैं, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई, ये जो आपको नंबर दे रखा है ये कंपोजिट नंबर है, ये आई थिंक 2015-16 के दौरान आया हुआ है। सो दिस इज लाइक वेरी सिंपल क्वेश्चन, अभी आते नहीं है बट पता नहीं कुछ भी एनसीईआरटी में भी है ऐसे क्वेश्चंस। तो आपसे पूछा हुआ है कि इसको आपको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। देखो कैसे करते हैं, आप उतारोगे इसको, वापस से नोट करते हैं इस क्वेश्चन को। 17 × 5 × 11 × 3 × 2 + 2 × 11, आप देख सकते हो इन दोनों में से 11 और 2 कॉमन आ सकते हैं, तो आई एम टेकिंग कॉमन। अब यहां बचेगा क्या, 17 5 और आपका बचेगा 3 प्लस, यहां कुछ बचा नहीं तो लिखा 1। 11 और 2 तो दो मल्टीपल है ही हमारे पास, इसको लिख सकते हैं हम 5 3 15, 15 और 17 का आपको मल्टीप्लाई करना है प्लस 1, नो प्रॉब्लम। ये 22 हो गया आपका, या चाहो तो आप 2 और 11 ही लिखा रहे थे, नो प्रॉब्लम। आगे अगर आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 7 105 कैरी 10, 15 का 1 से मल्टीप्लाई 15 और 10 25 प्लस 1, तो हियर इट कैन बी रिटन एज 2 × 11 × 2 = 56। थोड़ा साफ करता हूं मैं, देखो ये लिखा हुआ 2 × 11, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप गौर से देख सकते हो जो आपको नंबर दिया गया था उसके तो 3 अच्छे खासे फैक्टर्स हैं, और मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर तो हुए हो। तो लिख सकते हैं द गिवन नंबर हैज 3 फैक्टर्स, क्या क्या है फिलहाल यहाँ पे, 2 11 एंड 2 56। सो द गिवन नंबर इज कंपोजिट, नंबर इज कंपोजिट नंबर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको करना कुछ नहीं होता, आपको कॉमन वॉमन लेना होता है, उसके अपने आप से ही 3 फैक्टर निकल रहे होते हैं, तो आप ये इतना करके आप उसको कंपोजिट प्रूव कर देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये 2019 में आया हुआ है, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 306 से और 657 से। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बड़ी दिक्कत होती है, हमें यही नहीं पता होता हम एलसीएम निकालने वाले हैं एचसीएफ, तो उसके लिए बड़ा अच्छे से समझ लीजिए। जब भी आपको एलसीएम निकालना हो, इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट या तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दैट मींस जहां पे लोएस्ट वर्ड का नाम आए, स्मॉलेस्ट वर्ड हो, लीस्ट वर्ड हो, और आई थिंक मिनिमम वर्ड हो, ऐसे वर्ड्स का अगर यूज हो रहा है तो आप एलसीएम को ही प्रेफर करिएगा। और एचसीएफ के लिए
इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मींस हाईएस्ट वर्ड हो, ग्रेटेस्ट वर्ड हो, लार्जेस्ट वर्ड हो, या तो मैक्सिमम, ये भी आजकल बहुत चल रहा है मैक्सिमम वाला वर्ड। तो ऐसे वर्ड्स हो तो भैया आप एचसीएफ निकालिए। फिलहाल क्वेश्चन में हमारे में स्मॉलेस्ट वर्ड यूज हुआ है, तो वी आर प्रिफरिंग राइट नाउ एलसीएम निकालना। तो करते हैं, चलो सबसे पहले 306 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं और 657 के, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले 306 के फैक्टर चलो करते हैं। 2 से 153, 3 से 51, 3 से 17 और 17 से भाई 1। अगला है 657, इसको भी करते हैं। 3 से 219, ठीक है, 3 से 73, और 73 किसी के टेबल में आता नहीं क्योंकि प्राइम नंबर है, तो वन टाइम। तो इस हिसाब से 306 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3, टू टाइम्स यूज हुआ है, तो 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 17। सिमिलरली इसको लिख सकते हैं 3 रेज टू द पावर 2 इंटू 73, कोई प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं होगी। एलसीएम निकालना था हमको, और मैंने बोला था एलसीएम निकालते समय ये जरूरी नहीं होता कि दोनों में चीज आए, आए तो अच्छी बात है, न भी आए तो भी लिखनी पड़ती है, और सबकी मैक्सिमम पावर लिखनी पड़ती है। 2 की मैक्सिमम पावर 1 है, 3 की 2, 17 की 1 और इधर 73, और तो कुछ है ही नहीं। 2, 3 का स्क्वायर 9 हो गया इंटू 17 इंटू 73, 9 टू 18 होता है, इधर 17, 3 जा 51, 17, 7 जा 119 होते हैं, तो ये जोड़ के आएगा 124, नो प्रॉब्लम। लास्ट में इनका भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो आएगा वो आएगा 22338, तो ये आपका प्रोडक्ट आ गया और ये आपका एलसीएम है फाइनल। तो आप इस तरीके से क्वेश्चनों को कर सकते हो।